नगर निगम द्वारा कचरा परिवहन के लिए राम के एनवायरो इंजीनियरिंग कंपनी को दिए गए ठेके और भुगतान में हुए घोटाले की जांच करने स्वायत्त शासन विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी ने बुधवार को नगर निगम में फिर से संबंधित दस्तावेजों को खंगालने की कार्रवाई की। स्वायत्त शासन विभाग की मुख्य लेखा अधिकारी आरती भगोतिया और अधीक्षण अभियंता सुनील सिंघल ने बताया कि लोकायुक्त को भेजी गई शिकायत के आधार पर इस फर्म को निगम ने साल 2008 में 3 साल के लिए कचरा परिवहन का ठेका लगभग 7 करोड़ रुपए में दिया था, जबकि फर्म को समय से पहले और निर्धारित राशि से ज्यादा भुगतान कर दिया गया। वहीं निगम के अधिकारियों ने भी स्वार्थों के चलते उक्त फर्म का साथ दिया। अभी कंपनी के दस्तावेज निगम को उपलब्ध कराने हैं, उसके बाद ही कमेटी द्वारा की गई कार्रवाई का खुलासा हो पाएगा। मैसेज राम की कंपनी ने ठेका लिया था यहाँ कचरा का, उससे संबंधित जाँच है। हम इनसे दस्तावेज मांग रहे हैं और अभी हम लोग परीक्षण करेंगे और उसके बाद स्थिति इसकी स्पष्ट हो पाएगी। अभी इसको भी हम टोटल करके फिर कैलकुलेट करके पूरा बताएंगे, क्योंकि हम एग्जैक्ट अभी क्योंकि जांच नहीं की है तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते। एक तो जो शिकायतकर्ता ने ये कहे कि 350 टन से, टन ही है ना, 350 ग्राम प्रति व्यक्ति से ज्यादा उसका भुगतान किया है, वो गलत है। दूसरा, डोर टू डोर कलेक्शन के नहीं हुआ तो भी 5 रुपए जो काटने थे उसके हिसाब से नहीं काटे गए, ये शिकायतकर्ता का ये कहना है। प्रथम दृष्टया कोई सामने नहीं आ रहा, ये तो कई बार पहले भी राज्य सरकार में भी शिकायत की गई है, जल यहाँ पर महापौर जी के समक्ष भी मुद्दा उठाया गया है और ये डिसाइड हो चुका उसमें, और ये हमारे बोर्ड की बैठकों में भी कई बार ये इश्यूज उठे हैं। और वो जो 350 का कोई इशू ही नहीं है, 350 तो केवल उसके लिए बनाया गया था। जून का महीना बीतने को है और लगभग जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून के आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच मानसून से होने वाली आपदा से निपटने के लिए ना तो यहाँ जिला प्रशासन सचेत है और ना ही नगर निगम। ऐसे में अगर बारिश पिछले साल जैसी बरसी तो लोगों के लिए आफत खड़ी कर देगी। धार्मिक नगरी अजमेर इन दिनों जबरदस्त गर्मी की तपन में है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब जल्द ही बारिश हो और उन्हें राहत मिले, लेकिन जो लोग राहत की उम्मीद लगा रहे हैं उन्हें शायद पता नहीं कि ये राहत उनके लिए कहीं आफत तो नहीं बन जाएगी। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि बरसात के पानी से होने वाली आपदा से निपटने के लिए अभी तक अजमेर जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों ही तैयार नहीं है। निगम मानसून के पहले सभी तैयारियों की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के मुख्य नाले कचरे से अटे पड़े हैं और कई जगह नालों का अभी तक निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में निगम की तैयारी के ये दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। मानसून से पूर्व हमारे जो एस्केप चैनल है उसकी समुचित सफाई के लिए युद्ध स्तर पर हमने टेंडर करवा दिए गए हैं और सफाई का काम बहुत ही गति से चल रहा है और 80-90% कचरा एस्केप चैनल से मैक्सिमम निकाला जा चुका है और कचरे को रेगुलर मॉनिटरिंग करके और एस्केप चैनल की कम्प्लीट सफाई करवाई। बिल्कुल, हम लोगों ने पहले भी मांग करी थी कि बारिश से पूर्व जो है नालों की सफाई होनी चाहिए, और जब हमारी साधारण सभा हुई थी तब भी मैंने भी मुद्दा उठाया था कि मेरे वार्ड क्षेत्र में भी जो काजी का नाला है और जो बोर्ड ऑफिस के पास का नाला है वो पिछले 4 सालों से साफ नहीं हुआ है। केवल जो पिछली साल और उससे भी पहले केवल सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति नालों की गई थी, जबकि नाले ओरिजिनल में बिल्कुल साफ नहीं हुए, और अभी भी बोर्ड ऑफिस के पास का नाला और भी कई नाले हैं उनमें से केवल मामूली तौर से कोई कचरा निकाला गया है, अभी तक नालों की कोई सफाई नहीं हुई है।